जून के महीने में जब लोग आमों का लुत्फ उठाते हैं, ठंडाई और तरह तरह के शरबत पीते हैं, जून सड़कों पर पानी के लिए तरस रही थी। उसे वजाइना पर एक ट्यूमर भी था जिस पे मैगेट्स लगे हुए थे। जब मन्नत जी ने हमें जून की इस हालत के बारे में बताया तब फार्म पर हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं थी और हमने उनसे कुछ समय मांगा, इसलिए मन्नत जी ने उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रीट पर ही करनी शुरू कर दी। असल में जून को उसके परिवार ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसका इलाज कराने के लिए ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही कोई इच्छा। कोरोना के उस दौर में ना जाने कितने ही परिवारों ने अपने पेट्स को इसी तरह अबैंडन किया था। काफी रिक्वेस्ट करने पर जून की फैमिली उसे वापस लेने के लिए मान तो गई, लेकिन शायद जून की किस्मत में कुछ और दर्द अभी बाकी था। गर्मी के कारण उसका टीवीटी इतना बिगड़ गया था कि वो फट गया था और उससे बहुत खून आ रहा था। जून इतनी पेनफुल स्थिति में भी बहुत शांति और चुपचाप एक जगह बैठी रहती थी। इस दौरान मन्नत जी उसके घर जाके उसका ट्रीटमेंट करते थे, पर 3 ही दिनों में उसकी फैमिली ने उसे ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि उसकी वूंड से बहुत स्मेल आती है। किसी तरह जगह मैनेज करके हम उसे यहाँ ले आए, लेकिन इस घटना से जून के दिल पर क्या बीती होगी उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। खैर, यहाँ आते ही उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो गई और देखते ही देखते केवल 1 महीने में वो ठीक भी हो गई। जून को दर्द से राहत पाते देख हम बहुत खुश थे। उसके ठीक होते ही हमने उसकी स्पेस सर्जरी भी कर दी ताकि वो जल्दी अडॉप्ट हो सके। वो प्ले एरिया में खेलने लगी थी और यहाँ उसके सब दोस्त भी बन गए थे। प्ले एरिया उसका फेवरेट था जहां वो घंटों गरिमा के साथ समय बिता सकती थी। फिर एक दिन हमारी बात हिमाद्री जी से हुई जो जून को अडॉप्ट करना चाहती थी और उसे अपने घर लाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। बस फिर क्या था, एक दिन जून ने अपने बैग्स पैक किए और नोएडा के लिए रवाना हो गई। जून के घर पहुंचते ही हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो हिमाद्री जी के परिवार के साथ 1 ही दिन में पूरी तरह से घुल मिल गई थी और बहुत खुश थी। लेकिन हमारी खुशी चंद लम्हों की ही थी। दूसरे ही दिन हिमाद्री जी से फोन पे हमें ये पता चला कि जून को वॉक्स पे ले जाते समय किसी डॉग ने उस पर अटैक कर दिया था। खैर, इस वजह से जून को कोई इंजरीज तो नहीं हुई, लेकिन हिमाद्री जी इस इंसिडेंट के बाद बहुत डर गई थी। वो अब जून को वॉक्स पे ले जाने से भी कतरा रही हैं और उन्होंने हमसे जून के लिए एक नया घर ढूंढने की रिक्वेस्ट की है। जून को रीहोम करने के लिए हम नोएडा में एक ऐसे परिवार की तलाश पे हैं जो उसे एक फॉरएवर होम दे, और इसमें सिर्फ आप हमारी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके।